लोकसभा चुनाव को लेकर जलंधर में पहुंचे सीएम भगवंत मान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जलंधर के लोग बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे हैं और उनको उम्मीद है कि वह इस लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से खड़े किए उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू को ही वोट डालकर कामयाब बनाएंगे, क्योंकि उनकी सरकार लोगों के हितों के लिए आए दिन नए से नए काम कर रही है। बिजली के बिल लोगों को जीरो मिल रहे हैं, लोगों को उनकी सरकार के आने से फायदा हुआ है, खजाने भरने शुरू हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सुशील कुमार रिंकू पार्टी से जीतते हैं तो विधानसभा में भी उनके मुद्दे उठाकर उनका समाधान निकाल सकते हैं। संगरूर की टिकट जिसके ऊपर भगवंत मान थे, वहां से वह सीट खाली होने पर हमने कहा कि अब सुशील कुमार रिंकू काम करेंगे। वहीं आज जब सीएम पंजाब की ओर से आपके उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के नामांकन पत्र भरवाने आए, तभी वह रैली में दो गुट आपस में भिड़ गए और पुलिस मूक दर्शक बनकर सिर्फ देखती रही। देखिए जलंधर से सतीश कुमार कश्यप की पूरी रिपोर्ट। प्यारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी जलंधर लोकसभा के आम पार्टी के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू जी पीछे आ पक्के पीछे आ दो तीन मंत्री तो चली है जल्दी आया यार, बाकी रहने दो। मिनट जी
उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू जी ने अपने कागज दाखिल किए ने, कागज भरे ने, और सानू उम्मीद है कि जलंधर के जिहड़े वोटर ने वो इस बार एक नवा इतिहास लिखणगे, एक नवी कहानी लिखणगे। आम आदमी पार्टी की झोलियां सीट पा के लोग सभा च अपना उम्मीदवार भेजेंगे। इस तो पहला संगरूर तो मैनू लोग सभा का दूजी बार उम्मीद भेजा सी। जरूरी नहीं है कि उत्थे बहुत ज़्यादा हो बोले जा सकता है, मैं कला भी सीगा, मैं भी बहुत ज़्यादा बीजेपी अकालिया कांग्रेसियों मेरी उत्थे लड़ाई रही भाजी कैमरा थले कर लो यार बोलिया। सो उ सीट जी है वो रिंकू जी ले रखी है, और जलंधर के लोग दुआबे के लोग जो पढ़े लिखे लोग ने और विदेशों बहुत सारे लोग रहते हैं, सिस्टम देखा हुआ दो तीन मुल्क सिस्टम देखा हुआ कि कंपेयर कर सकते हैं। लोग सभा जलंधर तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू जित के जो जाऊगा तो वह जितों जलंधर की आवाज़ बनूगा नाल पूरे पंजाब की आवाज़ जी है उत्थे प्रधानमंत्री जी बहते हैं, उत्थे सारे लॉ मेकर्स बहते हैं। असी दस साढ़े राज्यसभा मैंबर ने ऑलरेडी, दस मैंबर साढ़े बहुत अच्छा कर रहे हैं, दो राजी जी है गौरमेंट आ गई, 13% सानू वोट शेयर गुजरात चो, अज तो 5 MLA ने, 2 MLA साढ़े गोवा च ने, और राष्ट्रीय पार्टी बनने तो बाद नैशनल पार्टी बनने तो बाद जलंधर की बाई इलैक्शन साड़ी पहली इलैक्शन लड़ रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने तो बाद, और सानू उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी जी है वो इस बार कार तोड़ जित हासिल करूगी जलंधर तो। पंजाब के 13 महीने की सरकार जी लोगों ने बनाई पूरी भी प्राप्तियां असं दसांगे भी, पर लोगों को पहुँच नहीं गई, वो बिजली के रूप से पहुँच गई, वो आम आदमी क्लीनिकों के रूप से पहुँच गई, वो स्कूल बन रहे हैं पहुँच रही ने, असी किसानों मुआवजा दे रहे हैं जो कुदरती मार पैगी कोई, असी जे बिजली बोर्ड के बकाया पैसे वो उतार रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, कच्चे मुलाजमान पक्के करने का प्रोसैस जारी है। सो असी ये सारी चीज़ा लोगों को लैके जावे, माली का कम पानी पाना भर भर मशका पावे, मालक का कम फल फुल लाना लावे या ना लावे, मालक लोकतंत्र के लोग ने ये लोगों का जोड़ा मर्जी है कि वह फल फुल ला, पर मैं इन्ना पता है असी ईमानदारी के नाल इलैक्शन लड़ांगे, कोई असी कोई पैसे नहीं असी वंटते, कोई नशा नहीं असी वंटते, कोई असी मसल पावर नहीं यूज़ करते, असी तो कुंडे खड़काने लोगों के, असी घर घर कुंडा खड़कावे, तो आम आदमी यही यही डर है बीजेपी को, एक नैशनल पार्टी बन गए, दो राज्यों में फैल गए, 10 जो बीजेपी के अपने राज्यसभा के मैंबर ने जोड़े आम आदमी पार्टी के ने, लोग सभा जलंधर का भी सर्वे उन्होंने बीजेपी ने करा लिया, ये भी गई अपने हाथों, तो फिर यह अपने लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए फ्यूचर, क्योंकि कांग्रेस कई कई थावे कई धड़े च बंडी हुई है, इस करके उन्होंने सुपने के सिर्फ आम आदमी पार्टी आँदी है, अरविंद केजरीवाल सुपने चाहते हैं, कल उत्थे बिना कोई FIR ना नहीं, किसी चार्जशीट च ना नहीं, उन्होंने CBI के दफ्तर बुला के 8-9 घंटे बिठा के वापस मोड़ देंगे। सो ये तानाशाही है, तो जे लोकतंत्र के कोई किसी चीज़ का घाटा पाया हो, खजाने घाटा पाया हो, किसी स्टेट को कोई नुकसान किया हो तो गल करो, सगों स्टेट को बाधे हो रहा कि खजाने बिजली के पैसे आ रहे थे, वो पैसे जोड़े ने बिजली के रूप मिल रहे थे इलाज फ्री के रूप से। सो यह टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे आम आदमी पार्टी की टीम को, जिसे सतेंद्र जैन मनीष, आम आदमी पार्टी जी है वो चट्टान वर्गी है, वो किसी पार्टी चो कटे हुए ने या बढ़े हुए ने नहीं बनाई, असी अपने प्रोफेशन छड़ के आए हुए हैं, असी जनूनी लोग हाँ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ ਦੇ 2738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ 41% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ